श्लोक संख्या 23। अन्त्वत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अन्त्वत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई बेशक कोई व्यक्ति देवताओं का सहारा लेता है और अपनी भौतिक इच्छाएं पूर्ति करता है, जो वस्तुतः मैं ही उसे देता हूं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्या नुकसान हो जाता है? कि भगवान को तो वो जान नहीं पाता और उसकी बुद्धि इतनी छोटी होती है कि उसे सिर्फ अपनी भौतिक जरूरतें ही सबसे बड़ी लगती हैं। उसे लगता है बस कैसे भी करके ये जरूरतें पूरी हो जाए, मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, भगवान मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, ये देवी देवता मैं तुम्हें नारियल चढ़ाऊंगा, एडमिशन हो जाए, उसी स्कूल में हो, और बाय चांस हो गया। लो जी, इसमें क्या मिल गया बताओ? एडमिशन हो गया, कल को और भी दुख होंगे उसकी वजह से, वो अच्छे से पास नहीं हो रहा, ट्यूशन लग गई, अरे ट्यूशन के बाद भी पास नहीं हो रहा, अच्छे नंबर नहीं आ रहा, अरे वो बीमार क्यों पड़ गया, कितने तो दुख मिलने वाले हैं अभी आगे जा करके, उन दुखों की कोई गिनती है? हैं? लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए हम भागे भागे गए, ये हो जाए मेरे घर में बहू नहीं आ रही, लड़का कुमारा बैठा हुआ है वो आ जाए, इस तरीके से जा रहे हैं बार बार कि शादी नहीं हो रही, कहीं कुंडली नहीं मिल रही, कभी लड़की अच्छी नहीं है, प्रभु कहीं तो इसकी जो है बिगड़ती हुई बात बन जाए। बन गई, हमने लड्डू भी चढ़ा दिए, और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद पता चला सास बहू में खूब तकरार, अब वो कहती है प्रभु मैं क्या करूं, उठा लो मुझे। आप समझ रहे हैं, मतलब दुख ही दुख है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि जो इस प्रकार के वरदान मांगने के लिए देवी देवताओं का दरवाजा खटखटाते हैं, भगवान कहते हैं वो अल्पमेधसाम है। अल्पमेधसाम यानी उनको कम अक्ल है ना, वो मूर्ख है, अल्प बुद्धि है, इसीलिए तो जाते हैं वो वहां दरवाजा खटखटाते हैं देवी देवताओं का और ये सब मांगते हैं। मेरे पास आते तो मैं इन सारी डिमांड्स को पूरी करता, तो इस तरीके से पूरी करता कि वो मेरी पूर्ण भक्ति में चले आते। और कोई बेकार एकदम मांग है जिसमें कि उसका नुकसान ही नुकसान होगा, वो मैं पूरी ही नहीं करता, क्योंकि मैं देखता कि भाई ये मेरा बच्चा है, इसे नुकसान ना हो। जैसे कि एक बच्चे को डॉक्टर ने मना किया कि चॉकलेट मत खाना, अगर एक भी चॉकलेट खाई तो ये तुम्हारा पूरे दांत गिर जाएंगे, इतने भयंकर अवस्था में पहुंच चुके हैं, तो बाप नहीं देगा ना उसे चॉकलेट, चाहे कितना भी मांगो। लेकिन अगर वो किसी बाहर वाले रिश्तेदार के पास चला गया, रिश्तेदार को माँ बाप पर अपना इन्फ्लुएंस जमाना है, वो माँ बाप से कुछ लेना चाहते हैं फेवर, तो बच्चे को बड़ा प्यार करेंगे और एक चॉकलेट भी देते हुए जाएंगे, हैं, और दिखाएंगे कि देखो हम तुम्हारे बच्चे को कितना प्यार करते हैं, हमने एक चॉकलेट भी दे दी, है ना, ऐसे करेंगे, क्योंकि वो बाहर का व्यक्ति है भाई, उसे क्या लेना देना कि बच्चा रहे या जाए या इसके दांत गिर जाए, उन्हें क्या लेना देना, उन्हें तो बस ये दिखाना कि हम बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, दिखावटी बात। वही वाली बात है, देवी देवताओं को क्या लेना कि तुम भगवत धाम जाते हो या 84 लाख योनियों में पड़ते हो या नरक में जाके गिरते हो, ये तो भगवान है जो कि तुम्हारे अंशी हैं, वो कृष्ण, वो चिंतित हो रहे हैं, इसीलिए बोल दिया। जैसे कि एक बच्चे को बाप डांट देता है, ऐसे ही भगवान ने डांट दिया, देखो अल्प मेधसाम है ये लोग, इनकी तो बुद्धि बहुत ही कम है, कम बुद्धि वाले लोग हैं, तो क्या होता है, ये तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और जो ये फल मिलता है ना, ये सीमित और क्षणिक होते हैं, है ना, लिमिटेड फल मिलेगा, अनलिमिटेड मिलेगा नहीं। भक्ति का फल अनलिमिटेड है, बहुत है, हम सोच भी नहीं सकते, इतना है कृष्ण भक्ति का फल। लेकिन जब देवी देवताओं की भक्ति की तो क्या मिला, वो जो मांगा वही मिला, और वो आने वाले दुखों का कारण है, सुख का आकार लेके आया, वास्तव में है तो दुख, है ना। तो इसीलिए यहां पर भगवान ने कहा कि जो उन्हें मिलेगा फल वो भी सीमित होगा और क्षणिक होगा। और एक जो मुख्य बात ये कि देवताओं की पूजा अगर करते रह जाएगा पूरे जीवन भर तो कहां जाएगा, देवलोक, देवलोक जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। और स्वर्ग क्या है, ये 14 भुवनों में से एक है, ये सारा जो टेम्पररी, ये जो अस्थाई जगत है, जो प्रलय में खत्म हो जाता है, महाप्रलय में समाप्त हो जाता है एकदम, तो वो स्वर्ग है। स्वर्ग भी सदा सर्वदा नहीं रहता, स्वर्ग में जाने वाले लोग भी सदा सर्वदा नहीं रहते, बोला ही है भगवान ने आगे जाकर के गीता में कि जो स्वर्ग में जाता है वापस आता है, जैसे उसके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, तो स्वर्ग जाके फायदा ही क्या, लेकिन फिर भी वो देवलोक चले जाते हैं, है ना, बेहतर सुख के लिए, लेकिन उनको कभी भी ना परम शांति मिलती, परम आनंद नहीं मिलता, 84 लाख योनियों के लिए फिर भी वो अधिकारी बेचारे बने ही रहते हैं।
परंतु भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देवताओं की पूजा और मेरी पूजा में बहुत बड़ा अंतर है, और वो अंतर ये है कि मेरे जो भक्त हैं वो अंततः मेरे परम धाम आते हैं। परम धाम बहुत बड़ी बात है, क्यों? क्योंकि भगवान का ही धाम तो परम धाम है, उसे ही प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। वहां जो जाता है लौट कर नहीं आता, देवताओं के पास जो जाता है लौट कर आ जाता है। आप अगर इतिहास को उठा लीजिए तो आप देखेंगे कितने ही लोग गए वहां और वापस आ गए। खटवांग जी गए वहां पर, और उनको जब देवताओं ने बताया कि आपकी आयु बस अब एक मुहूर्त की शेष है, उससे पहले बोल रहे थे कि हमसे कुछ वरदान मांगो, खटवांग जी ने कहा बस इतना बता दो कि मेरी आयु कितनी शेष है। तो देवता बोले कि तुम हमारे साथ लड़ाई में मदद किए, लेकिन तुम्हारी आयु बस अब एक मुहूर्त ही शेष है। यानी कि देवी देवता उन्हें मुक्त नहीं कर पाए, यानी उन्हें भी मरना पड़ा। तो वो भाग कर आए और कहा कि अरे एक मुहूर्त तो कम से कम मैं हरि भक्ति कर लूं, मैं अपने प्यारे भगवान को पालूं, मैं अपने प्यारे श्री कृष्ण को पालूं। और उन्होंने एक मुहूर्त भगवान की बहुत सुंदर भक्ति की, पूरी तरह से शरणागति ले ली, समर्पित हो गए, अपने प्यारे को पा गए हैं, और देवी देवता कुछ नहीं कर पाए। तो यही बात यहाँ भगवान ने रखी है सामने कि देवताओं की जो पूजा करते हैं वो देवलोक जाते हैं और फिर उन्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। पर जो मेरे भक्त हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं, मेरे धाम में आते हैं, उन्हें शाश्वत सुख, आनंद, खुशी, प्रसन्नता, जिसके लिए एक आत्मा हकदार है, वो सब प्राप्त होता है।